ये तो काम हो गया। फिर हमारे साथ भी तो ऐसे ही करते हैं ये मेरे पंजाबी भाई बैठे ने, एक खूंडा चक्की बैठे है बुजुर्ग, बोले सोनिहाल। ये पंजाबी जिथे जाते हैं अपना मुकाम बनाते हैं। गुजरात दे विच बहुत पंजाबी ने मुकाम बनाया, ट्रकां वाले ट्रांसपोर्ट, साडे खेतां दे किसान, साडे कच्छ एरिए च मिले पंजाबी, सारे रल के मिलके देश बनता है। बगीचा कभी एक जैसे फूलों का नहीं होता, बगीचे में रंग बिरंगे फूल होते हैं। हमारा देश एक बगीचा है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं। ये राजनीति करते हैं नफरत वाली, हम वो नहीं करते जी, हमें नहीं आती वो। मैं तो आपको यही कहूंगा, उम्मीद लेके देखो ना, तो भावनगर में मेरे कुछ चाचे का बेटा रहता है, ना ही मैंने कोई सड़कों का ठेका लेना यहाँ पे, ना ही मेरा कोई माफिया में हिस्सा है। मैं तो पंजाब से सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ पंजाब और दिल्ली आजाद नहीं करवाया था, साथ में गुजरात भी तो था। ईमानदारी की सरकार यहां भी आनी चाहिए। खेड ब्रह्मा गया, सुरेंद्र नगर गया, दाहोद गया, वडोदरा गया, एक ही बात सुनने को मिली। मैंने युवा लड़के से पूछा, मैंने कहा जी गुजरात को क्या चाहिए इस बार चुनाव में, बोला चेंज। मैंने कहा चेंज कौन है फिर, कहता जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस नहीं, कहता कांग्रेस चेंज नहीं जी, कांग्रेस तो एक्सचेंज है। किसी के कम होते हो 5 इधर से ले लो, किसी के कम पड़ रहे हो 10 इधर से ले लो, वो तो मतलब कोमा में चली गई है। तो अभी आम आदमी पार्टी गुजरात में जो आंधी चली हुई है परिवर्तन की, उस आंधी का मैं अभी देख रहा हूं एक छोटी सी झलक उसकी। जोरदार तालियों से ये बता दीजिए कि ये आंधी का हिस्सा आप भी हैं। दिल्ली में चेंज आया, हम एक मौका मांगते हैं। आम आदमी पार्टी वालों की एक खासियत है, एक मौका मांगते हैं हम कि एक मौका दे दो, उसके बाद लोग किसी और को मौका ही नहीं देते। दिल्ली में देख लो, एक मौका मांगा था, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को मौका ही नहीं मिला। पंजाब में हमने एक मौका मांगा था, 117 में से 92 सीटें दी, 92 में से 82 एमएलए जो हैं, विधायक जो हैं, वो पहली बार जीते हुए लड़के लड़कियां हैं, पहली बार जीते हुए आम घरों के बेटे बेटियां। गुजरात में आप लोगों को बीजेपी से या कांग्रेस से आपके किसी दोस्त को या रिश्तेदार को टिकट मिल सकती है भैया? नहीं 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 नहीं, जिला प्रधान भी नहीं बन सकते, इनके ही बेटे, इनके ही आगे रिश्तेदार, मामे फुफ्फे, पता नहीं कहां तक चलते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसी है जो आप लोगों को, आपके बच्चों को टिकटें देती है, उनको विधायक बनाती है, उनको विधानसभा की सीढ़ियां और लोकसभा और राज्यसभा की सीढ़ियां दिखाती है। यह आम आदमी पार्टी है। पंजाब में भी बिल्कुल वही हाल था जो आज गुजरात का है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली बीजेपी, 5-5-5-5 ऐसे बारियां थी इनकी। तो इनको ये लगता था कि लोग जाएंगे कहां, कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे पास ही आएंगे, जैसा आपके साथ हुआ है। ऐसा मैं तो आपके सब्र का मतलब मान गया, मैं आप लोगों को 27 साल से सिर्फ एक ही पार्टी, हर साल तो पेड़ भी पत्ते बदल लेता है यार, इस बार तो बदल लो कुछ। लेकिन
आपका कसूर नहीं है उसमें, आपके पास रास्ता नहीं था। कांग्रेस तो लड़ती नहीं इलेक्शन, उन्होंने तो छोड़ दिया ये काम, वो तो किसी और काम पे लग गए। जहां इलेक्शन होती है वहां कांग्रेस नहीं होती। देख लो दिल्ली में 2015 में और 2020 में, दिल्ली में देश की राजधानी में सबसे पुरानी पार्टी 1850 में बनी कांग्रेस पार्टी, कितने विधायक हैं? जीरो। दिल्ली में पिछले 8 साल से उनके पास कोई विधायक नहीं है। इससे पता चलता है वो कितना इलेक्शन लड़ते हैं या लोग उनको कितना सीरियस लेते हैं। 70 साल हो गए, 70 में 52 से गिनता हूं क्योंकि 1952 में पहला चुनाव हुआ था। आज 70 साल हो गए भाई साहब, 70 साल में क्या मिला हमें? ये मुख्यमंत्री बैठे हैं दिल्ली के, 7 साल में वो काम कर दिए जो इन्होंने 70 साल में नहीं किए। बिजली फ्री, इलाज फ्री, शानदार हॉस्पिटल, शानदार स्कूल, इधर पढ़ाओ उधर पढ़ाओ शिक्षा में कोई अंतर नहीं। प्राइवेट स्कूलों की फीस कोई नहीं बढ़ा पाएगा। शानदार स्कूल बना दिए, सड़कें बना दी, पुल बना दिए। पंजाब में हमें 7 महीने हुए हैं अभी, 7 महीने, आज 16 तारीख है, 16 मार्च को शपथ ग्रहण था हमारा, आज 16 अक्टूबर है, 7 महीने हुए हैं। 7 महीने में हमने 50 लाख घरों की बिजली फ्री कर दी। करप्शन की अगर शिकायत आती है कोई, हेल्पलाइन जारी कर दी, 212 आदमियों को पकड़ के अंदर किया। आज ही आपने सुना होगा, आज ही सुबह एक कांग्रेस का मंत्री था जो बचने के लिए बीजेपी में चला गया था, वो विजिलेंस को, उसके खिलाफ केस था, वो केस में से अपना नाम कटवाने के लिए विजिलेंस के पास 50 लाख रुपए लेके आ गया कि जी मेरा नाम निकाल दो। उन्होंने बोला जी आ जाओ, अब तो नाम तुम्हारा ही होगा, बस अखबार में पढ़ लेना, टीवी पे देख लेना। अब बीजेपी कह रही है ये तो जी हमारी तरफ अभी आया नहीं था, कांग्रेस कह रही है जी हमारी तरफ से तो चला गया था। ये इनका काम है तो छोड़ो इनकी बातें, नई बात करते हैं, नए सूर्य की बात करते हैं, नए विचारों की बात करते हैं, नया खून, नए विचार, छोड़ दो इनको, बहुत हो गया, बहुत देख लिया इनको, बहुत मौके देके देख लिए, नहीं निकला कुछ, तो अब बदलते हैं फिर। जो जो बदलने के लिए तैयार हैं दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो इनकलाब। भगत सिंह जी ये नारा लगाते थे, शहीद भगत सिंह, जब उन्होंने अंग्रेजों से देश छुड़वाया था। इनकलाब का मतलब है जुनून, आजादी का जुनून, भ्रष्टाचार से आजादी, ये माफिया से आजादी, ये लुटेरों से आजादी। तो मैं ये कहने आया हूं आपको कि जहां भी जाते हैं हम, गुजरात में खास तौर पर यही प्यार मिलता है, और हर रोज हम सोचते हैं इससे ज्यादा तो क्या प्यार मिलेगा, लेकिन अगले दिन रिकॉर्ड टूट जाता है। अभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, मेरे ख्याल में उसमें ये एक बात कहेंगे कि भी ऐसा करो इस बार इतनी वोट डालो, इतने वोट डालो। वैसे पंजाब वाले अपना रिकॉर्ड बना के ये चाहते नहीं है कि कोई रिकॉर्ड उसको तोड़े, लेकिन इस बार हम आपके लिए ये माफ कर देते हैं कि इतने वोट डालो दिल्ली और पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ दो बस। अभी सरकार बनने का तो पक्का हो गया, लेकिन 2-4 सीट इधर उधर हैं, तो 2-4 क्या, सीधा एक अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों को कहो कि चलो चलते हैं यार, एक बार इधर भी, इस रास्ते पे भी चल के देखते हैं।
पता नहीं कहां कहां से हमारी खबरें लाते हैं। ये तो जी हेलीकॉप्टर पे आते हैं। ये हेलीकॉप्टर कहां से आया? मैंने कहा जी हम तो पंजाब में तो हेलीकॉप्टर हम पर यूज ही नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करते। हमारा भी दिल है गुजरात में हम सड़क से जाएं, खेत खलियान देखें, पहाड़ देखें, लेकिन यशुदान भाई कहते हैं उतरते ही, मैंने कहा कार पे चलते हैं, कहते नहीं भाई साहब 50 किलोमीटर है। मैंने कहा फिर आधे घंटे का रास्ता है? नहीं 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 2.5 घंटे का है। मैंने कहा क्यों? कहते यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। हद है, फिर और क्या करें हम? इसलिए हम कहते हैं कि बदल लो। जब वोट डालने जाओगे मशीन पर एक बटन होंगे, बटन के सामने चुनाव चिन्ह होगा। ये बात मेरी भावनगर वालों याद रख लेना, बाकी भाषण भले ही याद मत रखना कि वो चुनाव चिन्ह, वो बटन ना तो किसी कमल के फूल का है, ना ही किसी हाथ पंजे का, ना ही किसी हाथी का, ना ही किसी दाती हथौड़े का, ना ही किसी सीढ़ी का, ना ही वो बटन झाड़ू का। असल में वो बटन आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। झाड़ू वाला दबा दोगे तो बच्चों की किस्मत चमक जाएगी, वरना 27 साल से काम कर ही रहे हो फिर तुम। ये बीजेपी वाले मुझे मिले, कहते जी हम बिल्कुल एंड में हम पलट देते हैं बाजी। मैंने कहा कैसे? कहते ऐसे। मैंने कहा अच्छा, अब अगर ये ऐसे आए इलेक्शन से पहले आपको ये कहने के लिए आपके घर पे ऐसे आए तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है मना मत करना। लक्ष्मी आई है घर में तो रखना। आप ही के हैं, आप ही के लूटा हुआ माल है, इनका कौन सा घर से बनाते हैं ये। हाँ इनको पकड़ के लक्ष्मी को उसके बोल देना कि हाँ, और इलेक्शन वाले दिन जैसे पंजाब में किया था लोगों ने, अंदर जाके बटन दबा के कर देना कि जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकियों को माफ है। अरे बहुत समझदार इलाका है जी, बहुत समझदार इलाका है, सब समझ गए, ये तो काम हो गया। फिर हमारे साथ भी तो ऐसे ही करते हैं ये मेरे पंजाबी भाई बैठे ने, एक खूंडा चक्की बैठे है बुजुर्ग, बोले सो निहाल। ए पंजाबी जिथे जाते हैं अपना मुकाम बनाते हैं। गुजरात दे विच बहुत पंजाबी ने मुकाम बनाया, ट्रकां वाले ट्रांसपोर्ट, साडे खेतां दे किसान, साडे कच्छ एरिए च मिले पंजाबी, सारे रल के मिलके देश बनता है। बगीचा कभी एक जैसे फूलों का नहीं होता, बगीचे में रंग बिरंगे फूल होते हैं। हमारा देश एक बगीचा है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं। ये राजनीति करते हैं नफरत वाली, हम वो नहीं करते जी, हमें नहीं आती वो। मैं तो आपको यही कहूंगा, उम्मीद लेके देखो ना, तो भावनगर में मेरे कुछ चाचे का बेटा रहता है, ना ही मैंने कोई सड़कों का ठेका लेना यहाँ पे, ना ही मेरा कोई माफिया में हिस्सा है। मैं तो पंजाब से सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ पंजाब और दिल्ली आजाद नहीं करवाया था, साथ में गुजरात भी तो था। ईमानदारी की सरकार यहाँ भी आनी चाहिए। पार्लियामेंट में मैंने बोला था जब मैं एमपी था, बहुत बड़ी बहस चल रही थी, ये हो जाएगा, इनको ये दे दो, ये समाज वो समाज। मैंने कहा जी मुझे तो 30 सेकंड चाहिए। स्पीकर साहब बोले 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा जी यहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मेरा तो 30 सेकंड में काम हो जाएगा, इनके 2-2 घंटे के भाषण की जरूरत नहीं है। कहते चलो बोलो फिर। मैंने ये बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर भारत माता की, इनकलाब, जय जवान, वंदे
बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार सत्कार से मुझे सुना, बहुत बहुत आपको, बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार। तरक्की करो, तंदुरुस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद।